बलूचिस्तान का एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जो अपने खूबसूरत तारीखी मकामात और सकाफत की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ज़माने कदीम में ये शहर बड़े सगीर में पाको हिंद के दाखिले के लिए अफगानियों और ईरानियों की गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। अंग्रेज दौर में ये शहर अफगानिस्तान जाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ১৯০৩ में सिब्बी को जिला बनाया गया। यूं सिब्बी बलूचिस्तान का तारीखी जिला भी है। सिब्बी का पुराना नाम सेवी था, जो बाद में सिब्बी में तब्दील हुआ। कोयटा से सिब्बी का फासला 160 किलोमीटर यानी 3 घंटे के फासले पर वाकई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो सिब्बी शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाकई है। यहां पर ज्यादातर सलाची अकवाम आबाद है और यहां के लोग सिंधी, बलोची और हसन लकी की जबान बोलते हैं। अक्सर लोगों का पेशा ज़राअत, गल्लाबानी, खेती बाड़ी और मजदूरी से मुंसलिक है। यहाँ मुख्तलिफ अकवाम आबाद हैं, जो सदियों से नस्ल दर नस्ल गांव की कदीमी तौर तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। कोयटा से सिब्बी के सफर के लिए अक्सर ट्रेन या लोकल वैन और बसों की आमदोरफ्त चलती है। फिर सिब्बी शहर से तिल्ली गांव जाने के लिए शहर के अंदर तिल्ली बस अड्डा मौजूद है। परिया भिक दरिया गजे मुझे नेणन जात निशान बिबिन ने पलो खोलिया बिबिन ने पलो खोलिया आयम सजन जा पैगाम वेठो घोड़ा घर दुम दुआऊं सांची जिए तली प्यारी वेठो घोड़ा घर दुम दुआऊं सांची जिए तली प्यारी बाग हुजने गुलजारी जिए तली प्यारी गुल हुजने गुलजारी वेठो घोड़ा घर दुम दुआऊं सांची जिए तली प्यारी देखो घोड़ा घर दम जाऊं सांची जिए तली प्यार। अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के शहरों में सबसे पहले क्वेटा आता है, तो दूसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि आपके हिस्ट्री वाइज, दूसरा जो डेवलपमेंट वाइज आपका सिब्बी, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान का दूसरा अहम तरीन ज़िला है। फिर जब आप सिब्बी में आते हैं तो सिब्बी में फिर मेरा इलाका तली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा देहात है। किस्सा ऐसे है सिलती लोग कौम का कि शहरंद वाले चार भाई थे, वो वहाँ से निकले इलाका कंधार से,
जब कंधार से वो निकले कुचला इलाके में, जो हमें बड़ी खबरें दी हैं हम भी वो आपको दे रहे हैं। आबाद हो गए बैठे कुचला में। इनकी बाप दादे से जो है ख्वाज मखदूम इलाका इंडिया में उनका तुर्बत है, वो वहाँ से उनने कमाई की है। इसको कहते हैं शह लोग। शह शह माने बुजुर्गी। हमें सुना है कि ये चार भाई शेहरन, शेख सलेमान, शेख मानदा और शाहबान और शेहरंद, जिसकी बुजुर्गी शेहरंद के हिस्से पर पहुंच गई। तो जो सीलाची है ये सीलाश है, तीस लाश इसको फारसी का लफ्ज है। तो इस एरिया में मुख्तलिफ कौमें आके आबाद हुई, कोई सिंध से आए, कोई अफगानिस्तान से आए, कोई यहीं इंटीरियर बलोचिस्तान से आए। तो ये जाके इलाका इधर एक आबाद हुआ, जिसमें आके इसका नाम तली रखा गया। तली के जो हमारी जो मतलब वहाँ पे ज़ुबान जो बोली जाती है वो हम उसको हसन की कहते हैं। मेजॉरिटी जो ज़ुबान बात की जाती है हसन की। जिमें शहर होंदा है, शहर च चंद्र के चौथा पहाड़ है, भज निकलो पराया शहर है, भजन सांक मयार है, तला क्या विज खड़े ने प्यारे, समझो आए शहर है। तो वो आए तली में जी करे गुजारियो, जी सुनी सरकार वा इज्जत वारा, सिर के झुकंदा बहस करण बेकार वा, तली में जी करे गुजारियो, जी सुनी सरकार वा इज्जत वारा, सिर के झुकंदा बहस करण बेकार वा। मोहम्मद उमर डाढ़ो चंगो हो, जैं शहर के पियो हलाई, शहर दफ्तर अंदर बाहर पांजो पान हलाई, अर्ज कयो से मोहम्मद सदीक के मता थिए गम ख्वार वा, इज्जत वारा सिर के झुकंदा बहस करण बेकार वा। ऐ शहर भी साईं आलम शाह साक बणाए दिना। आओ साईं आलम शाह त शहर आए असा सिंधी च, बाकी असांजी असली ज़िबान चुको आहे शहर त हिसाब किताब सिंधी त ना आहे। बाक़ी आहे शहर जेको मैं तव्हांखे ॿुधाए, जीअं ॿिया आहे काला मोटर भॼनि फीते, तामी जे प्यारे मच ॾे नीते। जैसा कि सिलाची का जो जद अमजद था उसका नाम शेख मखदूम था, और उसे एक भाई भी था शेख हसन। शेख हसन की औलाद हसनी कहलाई, और शेख मखदूम के पांच बेटे थे, शेख शाबान था, शेख वरन था, और शेख मंदो, शेख मानदा और शेख जुनू। शेख जुनू लावल्द है, बाकी औलाद है। शेख मंदो की औलाद नेसा बलूचिस्तान में है, शेख मानदा कोयटा में है, और शेख वरंद कोयटा ही में थे उस वक़्त। तो यहाँ मीर चक्कर थे, मीर चक्कर का कुदरती कोई अब्दुल्ला शाह जीलानी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ, उसने इसको बददुआ दी। इसी बददुआ के सिलसिले में शेख वरंद को लाया गया सिबी में। गजनी से, गजनी का एक इलाका चिश्त है, वहाँ चिश्त से फिर ये कंधार है, कंधार से फिर पश्चिम, पश्चिम से कोयटा, कोयटा से पश्चिम। दूसरा तली की जो तौर तरीके रस्म रिवाज है ना, अगर ये सारे बलूचिस्तान में होते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बलूचिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। हमारे जो रिवायत में आता है कि आपके घर शादी हो या गमी हो, अगर कोई मेहमान आ रहा है आपके पास, तो आप सबसे पहले उसका हाल अहवाल लोगे कि भाई आप खैर से आए हो, क्योंकि एक पुरानी रिवायत चलती आती है।
ताकि मतलब आजकल के दौर में तो सबको पता होता है क्यों अरबा करने ये ट्रेडिशन है आज तक वहाँ पे कायम है, जो बदकिस्मती से सिबी में ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा जो हमारे इलाके का जो रस्म रिवाज है, जो शादियों पे जो होता है कंट्रीब्यूशन, अगर किसी की अगर शादी है तो पूरी कम्युनिटी वाले उसकी हेल्प करते हैं, शादी वाले करते हैं, जिसको मना मोक कहते हैं, वो एक मतलब एक सिस्टम है हेल्प करने का। फिर जो हमारे फ़र्ज़ कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई अगर कबायली मसला होता है, किसी बरादरी का मसला होता है, तो जस्ट एक बरादरी का नहीं होता, उसमें पूरी कौम एक साथ हो जाती है। तो इस पर जो उसके ऊपर चाहे जुर्माना आए या जो भी हो, तो वो एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं होता, वो फिर सब कौमों के ऊपर डिवाइड कर करके वो पे किया जाता है। मीन्स कि भाईचारे का एक निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक चलता आ रहा है। अक्सर नौजवान तालीम की रोशनी से आरास्ता हैं। तो हमारे जो आज के नौजवान हैं, मुझे फ़ख्र अपने नौजवानों पे कि हमारे इतने सियासी शऊर रखने वाले, हमारे नौजवान मुस्तकबिल को देखने वाले, क्योंकि मैं इन साथ कांटेक्ट में रहता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ इनको सोशल मीडिया पे भी। मतलब मैं ये आपसे कहूँगा कि 99.9% जो हैं बाशऊर, तालीम याफ्ता और बहुत बेहतरीन नौजवान हैं। गाँव में तालीम के साथ साथ नौजवान खेलों में भी दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर नौजवान क्रिकेट या फिर गांव के तारीखी खेल कबड्डी से लुत्फ अंदोज होते हैं। आजकल नसीर भाई, जो क्रिकेट का माहौल बना हुआ है स्पोर्ट्स का, खासतौर पर एफसी जो स्पोर्ट्स के साथ हमारे बलूचिस्तान एफसी तावन कर रहे हैं, इस हिसाब से स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा है और आज ये एक बेहतरीन फाइनल हुआ है तली में, अच्छा क्राउड था। इस हवाले से आजकल क्रिकेट का जो माहौल है, नौजवान तकरीबन क्रिकेट में या कोई और खेल हो अच्छी तरह से खेल रहे हैं और हमारा बलूचिस्तान खासतौर पर सिबी में स्पोर्ट्स को काफ़ी तावन मिल रहा है, अच्छी स्पोर्ट्स मैनी हो रही है इधर ही और अच्छा माहौल मिल रहा है। बिल्कुल खेलों से बड़ी तब्दीली आ गई है, अगर ये खेल नहीं होते तो ज़ाहिर हमारे आज के नौजवान सिर्फ ही नशे वगैरह ऐसे ही जो है ना गलियों में बैठा होते थे, लेकिन इस हिसाब से अभी नौजवानों को और स्पोर्ट्स में होना चाहिए और हमारे क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स, इससे अच्छा माहौल मिल रहा है, एक अच्छा पैगाम मिल रहा है। सोशल इश्यूज़ ये हैं हमारे कि देखें इस दौर में हमारे पास कोई पब्लिक पार्क नहीं है, हमारे पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आप बच्चों के पैशन देखेंगे क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, जो हमारा ट्रेडिशनल गेम है, आप उनका पैशन देखें तो फिर आपको दुख होता है कि यार हमने क्या हो रहा है। तो मेरा इस साल तो हमारा पूरा वो था, मगर ये कोविड की वजह से नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह आगे हो ज़रूर होगा। तो इस पर हमें ध्यान देना है। वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने आपको बताया कि औरतों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा कि वो जहाँ पे जा सके, अपना हुनर सीख सके, दूसरा कोई काम कर सके, तीसरा कोई काम कर, ऐसा सच नहीं, हमें उनके ऊपर काम करना है। और मुझे फ़ख्र है कि हमारे तली में पहले दफ़ा जो पहली खातून जो चेयरमैन मुंतखब हुई थी वो मेरी सिस्टर थी, तो एक कड़ी उनसे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ख़वातीन अपना रोल अदा नहीं करेगी तो शऊर नहीं आएगा, जब तक एक औरत शऊर वाली नहीं होगी घर में शऊर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी, क्योंकि घर का जो कंट्रोल है औरत के पास होता है बच्चों के पास, क्योंकि मर्द तो बाहर होता है कमाने के लिए। तली तंगी का एरिया
आप देख रहे हैं जैसे सराउंडिंग्स में ये पूरा एक डैम का वो मतलब बना हुआ है, इसमें जो स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ पे जो डैम अगर बनेगा तो ये पूरा जो एरिया है हमारा, जो अभी जैसे गवर्नमेंट इस पर फ्लैट रेट पर वो दे रही है किसानों को कि 10,000 रुपये महाना पे वो दे रहे हैं, कि बिल पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो अगर ये डैम बनेगी तो एक तो हुकूमत को ये फ़ायदा होगा, जो सब्सिडी दे रहे हैं वो उनका पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो बर्डन है उनके ऊपर, पहले इतने मसाइल चल रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि किसान भी अगर जो 10,000 दे रहा है भी तो वो अफोर्ड इतना नहीं कर पा रहा 10,000 को भी। तो हमारी यही है उम्मीद कि हम खुद भी यही चाहते हैं कि इलाके वाले भी कि डैम बने, और ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पुराना है, पहले तजवीज़ भी किया गया है, बहुत फ़र्क आ गया, जब पहले पानी नहीं था हमारे बच्चे वो प्यास की वजह से मर जाते थे, यकीन करो पहले पानी नहीं था ना। अच्छा। अभी अल्लाह का बहुत मेहरबानी, हर जगह पर पानी, हर जगह पर अल्लाह ट्यूबवेल है, अल्लाह का बहुत मेहरबानी है ना। अच्छा। हाँ, पहले खुशकवा था, कुछ भी नहीं था, अभी ट्यूबवेल वगैरह निकले हैं तो हमारा कुछ कुछ फ़ायदा हो गया है। अच्छा। पहले ज्वारी की रोटी खाते थे, कुछ नहीं था ना, अभी अल्लाह का बहुत मेहरबानी किया, हुकूमत का बहुत मेहरबानी हो गया है, जब फिक्स रेंट हमारे से ले रही है 10,000 महीने का ना। अभी हमारा ये तली डैम बन जाए फिर तो हमारा फ़ायदा है ना, बिजली का भी हमारे से वो जो गवर्नमेंट से वो उतर जाएगा, फिर हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा जनाब। तो अगर यहाँ डैम बनेगा तो पूरा इलाका जो है सारा ये इस डैम से ज़रखेज़ होगा, आबाद होगा, और जैसे जो अमन अमान के हमारे जो हालात है, जब आबादी आएगी, खुशहाली आएगी, तो लोग वेल्थ जब आएगी तो मतलब सारा आपका सिस्टम जो है आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया डैम का, और दूसरा आप जिस इलाके की जो ब्यूटी देख रहे हैं ना, आप इसको जैसे गौर से देखें या आप सीनरी जो देख रहे हैं, तो ये जैसे हमारे वो है कि टूरिज़्म को जैसे वो बढ़ाना है, तो बहुत ही बेस्ट एरिया है टूरिज़्म के लिए। अभी आप ये सीनरी देख रहे हैं सारी, तो बहुत मज़े का एरिया है, मतलब एक्सप्लोर करना है बलूचिस्तान को कि ये रियल बलूचिस्तान है, ये असल वो है कि जी पोटेंशियल है इसमें टूरिज़्म का, प्लस इसमें जो वो इकोनॉमिकल है कि भाई के वो आएगा, डैम बनेगा तो लाजमी, मतलब हर चीज़ एक दिन में तो नहीं होती है, मगर इट विल टेक सम टाइम। हमारा नाम है मिर्ज़ा ख़ान सिलाची, गांव तली का मैं रहने वाला हूं। ये राग जो है हमने सीखा है दरगाह फतेहपुर शरीफ से, हमारा मुर्शिद है सैयद चीज़ल शाह बादशाह, हम तालिब है सैयद सादिक इमाम की, ये दात हमारे को वहां से मिली है और तकरीबन 1991-92 से हमने चालू किया है। हमारा यही पैगाम है अपनी तली के अवाम के लिए, ये जो म्यूज़िक है, ये जो गुलूकारी का सीखने का फ़न है, हमारे को तकरीबन इसमें 25 साल हो गए हैं, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जो कोई ऐसे आती है, ये बड़ी मेहनत से मिलती है, हमने बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत से हमने सीखा है, उस्ताद से हमने सीखी है, बड़े बड़े हमारे उस्ताद हैं, हमने उनकी खिदमत की है, हमने मेहनत की है, अपने जो हमारे लोग हैं उनसे गुजारिश है हमारे को सुने, हमारे फ़न की इज़्ज़त करें, ये बहुत मुश्किल फ़न है, ये कोई आसान फ़न नहीं है सर, ये बड़ी मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से गैस और ऑयल के रिजर्व्स के रिज़र्व जो वहाँ पे मौजूदगी की इतला है, और शवाहिद भी कुछ ऐसे मिल रहे हैं जिसमें हमारी वो जो गैस कंपनीज हैं वो लगी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा, अगर इंशाल्लाह दुआ करें अगर ये हो गया तो
बरामद हो गए तो बहुत बड़ा इलाके के लिए वो है। और दूसरा नंबर पे जो जो आपका रोड जा रहा है, हाईवे जो जा रहा है, जो सिब्बी से तल्ली, तल्ली से आगे पंजाब की तरफ जाएगा, कोलू ऐसे जाते, तो फ्यूचर इसी एरिया का है, फ्यूचर तल्ली के आवाम का है। तल्ली के लिए जो अहम, जो सबसे अहम मसाइल थे, हमने उनको हल कराने की कोशिश की। 2010 में पाकिस्तान में जब सैलाब आया था तो तल्ली सबसे पहला देहात था जो तबाह हो गया था। तो 2010 से लेके 2020 तक 10 साल का गैप आता है, वो कोई वहाँ पे सैलाब से बचाव का काम नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पहले ही आके, पहले फाइनेंशियल ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किया। फिर सबसे जो दूसरा मसला था, जो दूसरा मसला था हमारा, वाटर सप्लाई स्कीम का था कि जो पहले तल्ली में जो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन डली थी वो 1972 और 1973 में डली थी। तो किधर 72, किधर 2020, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जाके अभी हमने इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने ये अप्रूव करा है और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी वहाँ पे चल रहा है। फिर वहाँ पे सबसे जो मसला था कि भाई ट्यूबवेल पानी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा पहले ही, मतलब पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने वो भी लगवा लिए, दो ट्यूबवेल, एक हमारे हॉस्पिटल तल्ली के लिए और एक जो है आवाम की नई जो आबादी है उसके लिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चार मुतबरीन हैं, हम सब बराबर हैं और भाइयों की तरह हमारे मतलब ताल्लुकात हैं। मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है, आपको मेरे से कोई मसला है, आप अपने दूसरे मुतबर के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, चौथे के पास जाएं, कभी भी किसी पांचवें बंदे को तल्ली में एंटर होने आप अपने ज़ाती मामलात में आप अपना अमल दखल ना करने दें। जो यहाँ का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल हाईवे जो तल्ली के लिए मंजूर हुआ है, आपको मतलब बहुत ही हमारे लिए बड़ी बात है कि तकरीबन जो पूरा जो हाईवे है वो 4 अरब का है, मगर जो तल्ली वाला पोर्शन है वो 1 अरब रुपए का है। ये हमारे लिए हो रहा है, मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट्स बताए, मगर क्या है, आवाम में एतमाद लाना है, जो नौजवानों से एतमाद जो उठ गया है, जो क्योंकि वो भी हक पे हैं, तो इन नौजवानों पे हमें काम करना है, इनकी स्कूलिंग हमें करनी है, मतलब इनको इनको मेंटली तौर पे हमें तैयार रखना है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, ये तो चलो मैंने आगे बताया, जो हमारा सीपैक है, गवादर है, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी तो हमें इनको तैयार रखना है। क्योंकि जस्ट बीइंग मतलब बलोचिस्तानी तो ये मकसद नहीं कि मतलब सीपैक बलोचिस्तान में है तो आपको आपका हिस्सा मिलेगा, आपके बैंक्स में आपको अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे कि आपका हिस्सा है। आप सीपैक के हिस्सेदार तब बन सकते हो जब आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेस डिग्री कोई होल्डर हो, तब आप जाके बनोगे ना। तो हमारे नौजवानों को सोचना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें शऊर तो हमें देना है। कि मेरा ये पैगाम है अपने नौजवानों के लिए, सिर्फ अपने नौजवानों के लिए नहीं, जो मेरी बात सुन रहा है और समझ रहा है, कभी ये आप इस खुशफहमी में मत रहना कि अगर सीपैक गवादर में है तो उसमें आपका हिस्सा, आपका हिस्सा तब है जब आप उस में शरीक हो जाओगे, जब आपकी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी, बगैर कॉन्ट्रीब्यूशन के तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने तालीम पे तवज्जो दें, आप अपने तरक्की पे तवज्जो दें, आप अपने घरों पे तवज्जो दें, ख़ुद तो पढ़ें पढ़ें, अपनी बहनों को भी पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तल्ली एक रोल मॉडल होगा पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए। मेरा आपसे वादा है, ये 10 साल ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और ये वीडियो जैसे एक प्रूफ के लिए होगी कि मैंने आपसे वादा किया था कि हुआ मुकम्मल या नहीं हुआ। मगर एक बात ज़रूर आपको याद रखनी है, ये सिर्फ मेरे कहने से ये नहीं होगा, इसमें भी आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी ही होगी जितनी के मेरी होगी। मैं एक बंदा या हम दो बंदे, चार बंदे, 10 बंदे नहीं, जब तक आपकी सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगी, जब आप हमारे शाना बशाना ना होंगे, जब आप अपने में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, आप एक नहीं होंगे, तो तब तक नहीं हो सकेगा।
तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाएगा। हाजी।